आई होप मेरी आवाज सभी लोगों तक प्रॉपर पहुंच रही होगी। गुड इवनिंग टू एवरीबडी, गुड इवनिंग राधे राधे दोस्तों सभी लोगों को। मुझे बताओ जरा जल्दी से कि मेरी आवाज प्रॉपर सुनाई दे रही है कि नहीं। टू एवरीबडी गुड इवनिंग एवरीबडी, सभी लोगों का तो सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं राजीव मिश्रा अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे, लेट्स क्रैक इट। और जैसा कि मैंने वादा किया था दोस्तों, सारी कसर पूरी कर दिया हूं। 11 तारीख से क्लास लेना स्टार्ट किया अगेन, और आज देखो कौन सी तारीख है, आज 23 तारीख है। इन 13 दिनों में जितना हो सके मैंने रिवीजन करा दिया है सारा, तो आज एकदम मतलब मजेदार सेशन होगा दोस्तों, गारंटी मेरा है। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी कि इन 4 महीनों में से मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट, क्योंकि सारा क्वेश्चन 1-2 घंटे में पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, तो मैंने इन 4 महीनों में से कुछ क्वेश्चंस को अलग किया है जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम सभी को रिवाइज करना जरूरी है अभी। और जैसे ही मई खत्म होगा तो फिर मैं एक बार और रिवाइज कराऊंगा अप्रैल, मई, जून और जुलाई, तब वी आर रेडी फॉर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बाकी मैं क्रैश कोर्स में तो करवाऊंगा ही। तो भाई जल्दी से काम कर दो, जल्दी से सभी लोग कर दो भाई, जल्दी से सेशन को शेयर कर दो, इतना तो आप सभी लोग कर ही पाओगे। बस लिंक को कॉपी करो, मानता हूं संडे हो, लेकिन याद रखना जिन बच्चों के पास जॉब नहीं है उनके पास टाइम होना चाहिए, ओके। तो भाई लिंक को कॉपी करो और जहां जहां तक हो सके, जिस मीडियम पे हो सके, 1 बजरा लिंक को शेयर कर दो। और अगर अभी तक आपने सेशन को लाइक नहीं किया तो एक बार लाइक भी कर दो, मजा आ जाएगा जल्दी से, ठीक है। तो जरा मैं देख लूँ मेरे साथ कौन जुड़े हैं, सभी लोगों को भाई गुड इवनिंग। अभिषेक, निधि गुप्ता, भावना, ओंडला दास, उसके बाद इंदु प्रजापति, आरोही, सभी लोगों को भाई, सभी लोगों को गुड इवनिंग टू एवरीबडी, ठीक है। तो 2 घंटा लगातार पानी की बोतल बगल में रख लेना, और जो मैं काम करता हूँ डेली करना है उसको, जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, अपने कॉपी पेन लेके बैठना, और बैठने के बाद ही मजा आएगा पढ़ने में दोस्तों, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बैठ भी गए होंगे लेके, और बस वही काम करना है, 1 नंबर सही गलत, और 2 नंबर हमारा सही हो गया, 3 नंबर हमारा फिर से गलत हो गया, और मुझे लास्ट में बताना कि आपका स्कोर कितना है टू एवरीबडी, ओके। तो हिमांश सिंह बेटा गुड इवनिंग, कुंदन सिंह गुड इवनिंग, मनदीपा मंडल, मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से कि सभी लोग अपने पास कॉपी पेन लेके ही बैठना, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, ओके। यहाँ देखो लिखा नहीं, गलती है, कृपया भावनाओं की कदर करिए, इसे भूल जाइए, ये सपोज नहीं लिखा हुआ है, याद रखना। आज हम जनवरी से लेकर अप्रैल तक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। टू एवरीबडी, सभी लोग कॉपी में लेके बैठे हो ना, मुझे बताओ। सर पानी नहीं, नहीं नहीं, पानी पीने के लिए रखना है, और जब क्वेश्चन गलत होगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है, चलिए। और याद रखना हर क्वेश्चन के मैं आपको 10 सेकंड दूंगा, आज रिवीजन मुझे ज्यादा कराना है तो हर क्वेश्चन के मैं आपको दूंगा 10 सेकंड, ठीक है। अगले 2 घंटे कोई भी व्हाट्सएप नहीं, कोई भी फेसबुक नहीं, कोई भी इंस्टाग्राम नहीं, पूरा फोकस यहां होना चाहिए, तभी मजा आएगा दोस्तों संडे में, है ना, मानते हैं। टू एवरीबडी, ओके, अवजीत चौधरी एंड कुंदन, सभी लोगों को भाई, ठीक है, याद रखना पूरा फोकस हमारा यही होना चाहिए, तभी मजा आएगा, इतनी अच्छी क्लास तभी होगी, है ना। और जो लोग बाद में देखते हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, कृपया कॉपी पेन लेके बैठे तभी मजा, कृपया लेट के सेशन को ना देखें, जनहित में जारी है। ठीक एवरीबडी, ये रहा पहला क्वेश्चन, मिशन की शुरुआत हो गई है, और बोहनी कर देना, गलत कोई लोग भी नहीं करना, ठीक है, रेडी सेटी एंड गो। और सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत प्यार भला, बेस्ट ऑफ लक, सभी लोगों को बहुत प्यार भरा मेरी तरफ से, क्या बेस्ट ऑफ लक। हर बार आना नहीं, और मुझे लास्ट में बताना कि आपका स्कोर कितना हुआ, बिना स्कोर बताने जो गए तो सोच लेना क्या होगा, जाना नहीं बिना स्कोर बताए, ठीक है। टू एवरीबडी, ऐसी क्लासेस दोस्तों महीने में 1 या 2 बार आती है, तो इस पूरे क्लास का मजा लीजिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, अल्टीमेट टू एवरीबडी।
पहला क्वेश्चन है, गलत नहीं बोहनी सही होनी चाहिए, वेल वीगन इज हाफ डन। शेक्सपियर ने क्या कहा? वेल वीगन इज हाफ डन। चलो आज कोई ऐड नहीं, कुछ नहीं, सीधे क्वेश्चन पे ही फायर। चलो तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसका आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा 100 मिलियन। भाई लिखना मिस हो, लिखा तो है 100 मिलियन इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बिल्कुल लॉक कर दिया। यस श्रीवास्तव जी, कोशिश किया हूं, सारा तो नहीं कर पाऊंगा, बट कोशिश किया हूं कि कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन में आज करा दूं जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। और सभी लोगों को आंसर देना है मात्र 10 सेकंड में, और देखना है कि क्या हमें सारा डेटा याद है या इस डेटा को हमें दोबारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना, इसका आंसर है मलयालम, इसका आंसर है मलयालम लैंग्वेज में ये मूवी नॉमिनेट हुई थी, अवार्ड भी हो चुके हैं। अगला, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे नितिन गडकरी जी ने 16 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में स्टार्ट किए थे जनवरी में। आपको बताना है उस टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्टिंग कितनी है टू एवरीबडी। उड़ना नहीं है, उड़ा देना है, एकदम झमाझन उड़ाओ, एकदम ताबड़तोड़। जो मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे, मुझे पूरा भरोसा है कि आज उनका स्कोर 95%+ होगा, गारंटी। जो मेरा क्लास डेली देखते हैं और जो मुझे पहले से ही फॉलो कर रहे हैं, ये मेरा वादा है, उनका क्लास गारंटी 100% सही होगा। वेलकम टू एवरीबॉडी। आंसर हमारा क्या होगा? 7,500 करोड़। यानी यहां से 3 डेटा। पहला डेटा क्या हुआ? इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किसने किया? तो मैंने बोला गडकरी साहब ने। कितने टोटल प्रोजेक्ट हैं? तो 16 हैं, और कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में। मैं सारे क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन नहीं कर रहा हूं, आज बस रिवीजन करा रहा हूं। ठीक है, क्योंकि याद रखना इन सभी क्वेश्चन को हमने कहीं ना कहीं किसी रूप में पढ़ा है। चलो अगला क्वेश्चन। वर्ल्ड मोस्ट कनेक्टेड सिटी, दुनिया में ऐसी कौन सी सिटी है जहां पर फ्लाइंग पिछले साल सबसे ज्यादा हुआ है? उसी को कहते हैं मोस्ट कनेक्टेड सिटी इन द वर्ल्ड। टोक्यो, लंदन, संघाई या बीजिंग? तो पता होगा, जिस कंट्री ने कोरोना को दिया दुनिया को, वही तो होगा। हिमांशी सिंह बेटा बताओ, अच्छा मुझे बताओ बाकी लोग, क्या क्वेश्चन आपको सही से विजिबल नहीं हो रहा? मुझे बताओ टू एवरीबॉडी। क्या मुझे बताओ सारे मेंबर, और जो भी मेंबर देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक जरूर करना, क्या क्वेश्चन आपको सही से विजिबल नहीं हो रहा? एक बार अपने फोन को या पीसी जिससे भी, एक बार उसको रिफ्रेश कर लो पेज को, गारंटी है मुझे लगता है जहां तक, क्योंकि किसी ने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूं। ऑल ओके ना? चलो तो याद रखना, सबसे ज्यादा जो बिजी हैं वो रिपोर्ट आई थी संघाई, बीजिंग और ग्वांगझू, मतलब एक टॉप 3 कहां की आ गई? चाइना की। पिछले वर्ष कौन थी? लंदन, संघाई और न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन, नेम द यूनियन मिनिस्टर हु हैज लॉन्च द इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल। उस केंद्रीय मंत्री का नाम बताइए जिसने भारत जलवायु परिवर्तन ज्ञान पोर्टल को लॉन्च किया है। तो आंसर हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा होगा रमेश पोखरियाल निशांक इज द राइट आंसर, सॉरी प्रकाश जावेदकर इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, हनी एफपीओ प्रोग्राम, जो बेसिकली याद रखना ये प्रोग्राम हनी बी के लिए है, नेफेड, कौन किसने स्टार्ट किया था? तो याद रखना इसको स्टार्ट किया गया था गुजरात में, और स्टार्ट किया था किसने? माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो हमारे देश के कृषि मंत्री हैं। ठीक है, अगला, कौन सी गवर्नमेंट एंटिटी ने रिसेंटली एक नया सिस्टम इजाद किया अपने एम्प्लाइज के लिए जिसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम? किस सरकारी संस्था ने हाल में ही एक डिजिटल मानव संसाधन प्रबंध प्रणाली शुरू की है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन रेलवे? तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा इनमें से कोई नहीं। नो, इसका आंसर हमारा होगा भारतीय रेलवे। चलिए बहुत ही शानदार, अगला क्वेश्चन बनाइए, उड़ा दो एकदम, गलती की कोई गुंजाइश नहीं, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। मुझे देखना है आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन, और याद रखना आपको समय मिलेगा सिर्फ मात्र 10 सेकंड का, आपको 10 सेकंड में आंसर दे देना है। वेरी नाइस, बहुत ही खतरनाक। चलिए तो याद होगा इस क्वेश्चन में ट्रिक थी, ट्रिक क्या थी अगर आपको याद होगा, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 123 में कहा गया है किसके बारे में, याद रखना न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में, इसीलिए याद रखना इसको 123 एग्रीमेंट के नाम से भी जाना जाता है अमेरिका में, ठीक है, जिसको 10 साल हो गया। अगला, ये तो शायद बड़ा आसान है, जिनको मुख्यमंत्रियों के नाम या चेहरे याद होंगे वो बना लेंगे जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग टू इम्पोज गौ माता टैक्स, यानी आपको उस स्टेट में अब गाय पर एक टैक्स देना होगा, वो टैक्स कितना परसेंट है, वो तो चलो बात की बात है, वह स्टेट कौन सा है, देखने ही से लग रहा MP, क्योंकि ये जो चौहान साहब हैं ये वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और याद रखना इसमें एक और न्यूज़ क्या आई है, इसमें एक और न्यूज़ ये आई है कि बहुत जल्दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आई क्या है, ये हो चुका है एसेस टू रेज मनी फॉर वेलफेयर ऑफ द गौ, मतलब अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम, अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा है, 10 करोड़ से ज़्यादा है, सॉरी 10 लाख से ज़्यादा है, तो आपको उस प्रदेश में सेस भी देना होगा। सेस मतलब बेसिकली एक सरचार्ज की तरह होता है, लेकिन ये सोशल वेलफेयर के लिए होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2021 कहां पर आयोजित किया गया है? खेलो इंडिया हॉकी टूर्नामेंट 2021 भारत के कौन से प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया है? बड़ा न्यूज में था ये बहुत न्यूज में था, तो याद रखना इसका आंसर में लद्दाख में। लद्दाख पता होगा आपको, एक नया यूटी बन चुका है, तो लद्दाख के कारगिल और चिकटन में याद रखना खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट हुआ था, और इसमें याद रखना जो जम्मू कश्मीर है उसका पोजीशन 1 आया था। अगला, सॉरी यह क्वेश्चन छूट गया ऊपर से, आपको बताना है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक ने पे नियर बाय के साथ मिलकर भुगतान समाधान शुरू करने के लिए रुपए के साथ साझेदारी की है? किस बैंक ने पे नियर बाय के साथ मिलकर भुगतान समाधान शुरू करने के लिए रुपए के साथ MOU किया है? तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा, मैंने बताया था, रत्नाकर बैंक लिमिटेड। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बीन हेल्ड द ब्रह्मपुत्रा आमंत्रण अभियान, यानी उस प्रदेश में स्केटिंग वाला जो नहीं होता, दिख रहा होगा आपको एक रिवर पर चलता है स्पोर्ट्स वाला, क्या तो उसको नाम मुझे एग्जैक्ट अभी मैं मिस कर रहा हूँ, कौन से इसको डाइविंग कहते हैं, ये स्टार्ट किया गया है, बताओ जल्दी से। तो याद रखना ये स्टार्ट हुआ है 2 जगह, क्योंकि पता होगा ब्रह्मपुत्रा नदी बड़ी फेमस नदी है आसाम की, तो अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम, ठीक है। आगे, यह बिगेस्ट रिवर ऑफ अवर कंट्री द माइटी ब्रह्मपुत्रा, यानी बिल्कुल ठीक है, जिसको हम लोग सियांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में, इट इंटर अवर मदरलैंड इंडिया नियर जीलिंग ज्वाइंट ब्रह्मपुत्रा आमंत्रण अभियान एट ट्यूटिंग ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री जल शक्ति विद द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड असम NDRF नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। चलो अगला, कौन से स्टेट ने सोलर पावर पॉलिसी की शुरुआत की है? मुझे बताओ जरा जल्दी से, कौन से स्टेट ने सोलर पावर पॉलिसी की शुरुआत की है जल्दी से? गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या केरला, कौन से स्टेट ने सोलर पॉलिसी की शुरुआत की है? नदीम गुड इवनिंग, सब बाखैर,
यस वी आर मिसलन, बिल्कुल सेयर द सेशन मैक्सिमम, बहुत ही शानदार, वेरी नाइस। तो याद रखना, गुजरात में एक नियम कानून आ गया है कि अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे, फॉर एग्जांपल अपनी इंडस्ट्री के ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर, तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आपको बहुत सपोर्ट करेगी। ओके, ये किसने कहा? ये वहाँ के मुख्यमंत्री जो विजय रूपानी साहब हैं, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि आने वाले 5 सालों तक ये पॉलिसी वैलिड रहेगी और अगर आप कुछ ऐसा काम करते हो तो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आपको सपोर्ट करेगी। ठीक है, अगला, पैसा तो निकलता है, अब एटीएम से राइस भी निकलेगा। ऐसा एटीएम कौन से प्रदेश ने स्टार्ट किया है? रिसेंटली द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट राइस एटीएम टू बी सेटअप, कौन से प्रदेश ने? बेटा गुड इवनिंग निधि गुप्ता जी, गुड इवनिंग। कौन से प्रदेश ने ये काम? कर्नाटका ने किया, गोवा ने किया, उड़ीसा ने किया, महाराष्ट्र ने किया या उत्तर प्रदेश ने किया? तो याद रखना, ये सारे काम कौन करता है? जहां पर टेक्नोलॉजी बड़ी एक्टिव रहती है। ठीक है, चलो द आंसर इज कर्नाटका। अगला, थौबल मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा सा कैनल वाला प्रोजेक्ट है, ये कौन से स्टेट में स्टार्ट किया गया है? तमिलनाडु, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर? हाल में ही निम्नलिखित में से किस राज्य में थौबल बहुउद्देशीय परियोजना स्थापित की गई है? तमिलनाडु, गोवा, तो याद रखना ये किया गया है मणिपुर में। ठीक है, मणिपुर लगातार न्यूज में रहता है। अगला, कुछ महीनों पहले गवर्नमेंट ने कहा कि यस, आप इस मिसाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि इसको पूरी तरीके से हमने इंडिया में बनाया है। वह कौन सा मिसाइल है? आकाश, सागरिका, धनुष, पृथ्वी या निर्भय? याद करें, बड़े न्यूज में था और इसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर है, यानी 450 किलोमीटर तक ये अचूक मतलब फायर करेगा। चलो अगला क्वेश्चन, अभी न्यू दिल्ली में एक एग्रीकल्चर रिलेटेड एक मेला लगा था, है ना, एक फेयर लगा था, आपको बताना है ये जो हैकथॉन 2020 लगा था इसको किसने उद्घाटन किया था? नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे पीएम हैं, अमित शाह जी ने, जो हमारे गृह मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, जो हमारे कृषि मंत्री हैं। तो याद रखना, ये सब काम कौन करेगा? जो हमारा कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखना। 17 फरवरी तक ये कहते हैं इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एग्रीकल्चर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, नहीं आप इस पे कुछ भी चीज़ों को देख सकते हैं हमारे देश से रिलेटेड, जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, अगला, यह क्वेश्चन बहुत न्यूज में रहा, मैं पहले बताता हूं, यह क्वेश्चन बहुत न्यूज में रहा, गलत मत करना, यह न्यूज बहुत रहा था, इसको गलत मत करना टू एवरीबडी। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन परमिट बैंकिंग यूनिट टू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स थ्रू पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट? तो याद रखना, उसका नाम है चार नंबर, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, और याद रखना यह गुजरात में है, और याद रखना इंडिया का पहला बैंक जिसका नाम है HSBC, इसने यहां पर लाइसेंस लेके काम भी करना स्टार्ट करवा दिया। अगला, कौन सी कंट्री की, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन आर्मी चीफ MM नरावने रिसीव गार्ड ऑफ ऑनर, यानी कि जो हमारे चीफ MM नरावने जी हैं, इनको कौन सी कंट्री ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? जापान, साउथ कोरिया, चाइना या म्यांमार या रसिया? व्हाट इज द राइट आंसर टू एवरीबडी? तो याद रखना, इसका आंसर हमारा होगा साउथ कोरिया, सियोल। चलो, इस चित्र को देख के भी गलत मत बोलना, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया मिस कॉल फैसिलिटी फॉर LPG कंज्यूमर, यानी अगर आपके घर में सिलेंडर नहीं है, आप मिस कॉल मारिए और आपके घर में सिलेंडर पहुंच जाएगा। व्हाट इज द राइट आंसर? तो भाई एक ही प्रदेश होगा, वेरी नाइस उंडेला, सभी लोगों को भाई बहुत ही शानदार, वेरी नाइस।
श्रीवास्तव जी, राम राठौर, अभिषेक, बहुत ही शानदार। आज रुकना नहीं है, आज जो रुक गया वो समझो पीछे हो गया। तो याद रखना, यह भुवनेश्वर में किया गया था, जहां पर फायर पार्क भी बनाया गया। याद है आप लोगों को, इसी भुवनेश्वर में याद रखना फायर पार्क भी बनाया गया था, फायर पार्क भी बनाया गया था। और याद रखना इसी के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को याद रखना आईएसओ का सर्टिफिकेट भी दिया गया था उड़ीसा। अगला, कौन सी ऐसी बैंक है हैज बिन कोलैबोरेटिंग विद द सेल्सफोर्स टू बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन टेक प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल बैंकिंग, यानी रिटेल बैंकिंग को और बेहतर बनाने के लिए अभी रिसेंट में ही किस बैंक ने सेल्सफोर्स टू बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन टेक प्लेटफॉर्म के साथ एग्रीमेंट किया है? तो याद रखना उस बैंक का नाम है दोस्तों यस बैंक इज द राइट आंसर। अगला, रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकेट इंडियन सेटेलाइट इज टू कैरी नेम ऑफ कॉमन पीपल इन स्पेस, यानी आने वाले समय में हमारे देश के जो कॉमन मैन होंगे उनको स्पेस में इसी सेटेलाइट से ले जाया जाएगा, इसका नाम क्या है? GSLB, PSLB, वेरी नाइस। आज डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि मैं आज रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है? जब मैं डिटेल में जाऊंगा, वेरी नाइस। चलो तो भाई याद रखना 51 इसको कहते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-51। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंडक्टेड इंडियन सबमरीन INS सिंधुवेरी इंडू इट्स नेवी, अभी किस देश ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया है? मुझे बताओ व्हाट इज द राइट आंसर, फ्रांस, म्यांमार, चीन, इंग्लैंड या मालदीव? कौन सी कंट्री टू एवरीबडी? तो याद रखना इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइए सभी लोग। देखो पूरी कोशिश करना भाई कि आज कम से कम स्कोर अच्छा आ जाए आप लोगों की, तो बहुत मजा आएगा, ठीक है? नहीं तो इतनी क्लासेस करते हो, इतनी पढ़ाई करते हो, अगर स्कोर नहीं आया तो दोस्तों याद रखना कोई भी मजा नहीं है। समझ रहे हैं सभी लोग? सभी लोग स्कोर लाने की पूरी कोशिश करो, ट्राई टू बी एक्टिवेट, पार्टिसिपेट मैक्सिमम। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा म्यांमार। अच्छा मुझे बताओ 10 सेकेंड इनफ है कि नहीं, कि टाइम कम लग रहा है आपको? मुझे बताओ जरा सभी लोग, टाइम कम तो नहीं लग रहा आपको? देखो टाइम कम इसलिए मैंने दिया, इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि रिवीजन हम लोग कर रहे हैं, इसमें जितना हम लोग ज्यादा कर पाएंगे उतना बेनिफिट होगा, है ना? मेरे हिसाब से इनफ है, बाकी आप जैसा समझो। नहीं, निधि 5 सेकंड में तो लगता है हम लोग पगला जाएंगे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू द रिसर्च फॉर्म मॉर्निंग कंसल्ट, दुनिया का मोस्ट पावरफुल लीडर इन द वर्ल्ड कौन है? चाइना के जी जिनपिंग साहब हैं, रसिया के व्लादिमीर पुतिन साहब हैं, अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, या जापान के करंट PM योशिहाइड सुगा जी हैं, या हमारे देश के नरेंद्र मोदी जी हैं? तो याद रखना नरेंद्र मोदी जी दुनिया के मोस्ट पावरफुल पर्सन थे, लेकिन अभी धीरे धीरे उनकी जो रैंकिंग है ना वो कम हो रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू नो वेरी वेल। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज लॉन्च फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज, यानी कि कौन सी कंट्री में हमने कहा है हमारे देश की सरकार ने कि आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे इन द केस ऑफ अगर आपके यहां बाढ़ आता है, फ्लड आता है तो? वेरी नाइस टू एवरीबॉडी। तो याद रखना हमने साफ साफ कहा है श्रीलंका के लिए, हमने साफ साफ कहा है बांग्लादेश के लिए,
हमने साफ साफ सपोर्ट किया है भूटान, यानी जो भी हमारी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनको हमने सपोर्ट किया है फ्लैश फ्लोट गाइडेंस के लिए, ठीक है। बड़ी प्यारी हैं, और अभी इन्होंने ये लगातार न्यूज़ में क्यों पता है, अभी रिसेंट में ओलंपिक का बवाल हो रहा, ओलंपिक का बायकॉट कर रहा है यूएसए। यूएसए कहता है जो अगले साल 2022 में चाइना में ओलंपिक है शीतकालीन, वो हम नहीं होने देंगे, बायकॉट ओलंपिक इन चाइना। उसकी बहुत प्रमुख हैं ये, बहुत ही शानदार, बिल्कुल सही, जो लगातार पढ़ाई करे ना उनका सारा सही हो रहा। ये जेनिफर कहां से आ गई भावना? नो जेनिफर, जेनिफर एक बहुत फेमस एक्टर, मतलब एक पर्सन था, एक एक्टर या एक्ट्रेस क्या कहो उसको, तो याद रखना नैन्सी पेलोसी, याद रखना कमला हैरिस अमेरिका की पहली राष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है, जो कि वोमेन है। अगला राघवेंद्र सिंह चौहान अभी हाल ही में चीफ जस्टिस बने हैं हाई कोर्ट के, कौन से स्टेट के? महाराष्ट्र, केरला, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या गोवा? व्हाट इज द राइट आंसर? तो याद रखना चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जो बने हैं, एक मिनट रुकना, वो बने हैं कहां के? उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर इनमें से किनको बनाया गया है? मुझे बताओ जरा जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंट एज नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? याद रखना इसमें परमानेंट मेंबर होते हैं 5, और जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो होते हैं 15, जो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, जिसमें इस बार इंडिया भी चुना हुआ है 2021 से लेकर 2023 तक। याद रखना ये सारे चुने गए। आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव। अगला, 5G पर कौन सी कंपनी के साथ जियो मिलके काम कर रहा है? 5G मोबाइल पर जियो कौन मिलके काम कर रहा है, किसके साथ? तो याद रखना टेक महिंद्रा इज द राइट आंसर। अगला, एक बहुत खास ऐप डेवलप कर रहा है कौन सी कंपनी, जिसने कहा इसमें सारे ऐप को हम समा देंगे, सारे ऐप को हम मर्ज कर देंगे, उस ऐप से आप हर वो सारा काम कर पाओगे जिसके लिए अपने फोन में आपने मल्टीपल ऐप को इंस्टॉल किया है। वेरी नाइस, आंसर हमारा होगा टाटा डिजिटल इज द राइट आंसर। अगला, दोबारा इनको बनाया गया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के राष्ट्रपति, इनका नाम क्या है? दोबारा चुनाव हुआ, इनको दोबारा बनाया गया वहां के राष्ट्रपति का नाम बताओ इनको जल्दी से। आंसर क्या है? तो याद रखना वेरी यूनिक नेम है फॉस्टिन, ऐसे याद रखना फॉस्टिन साहब हैं, आर्कवेस साहब हैं। अगला, अभी रिसेंट में ADB ने बेंगलुरु को कितना अमाउंट दिया है फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बेंगलुरु? हाउ मच अमाउंट गिवन बाय ADB एंड इंडिया साइन लोन टू अपग्रेड पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन बेंगलुरु? याद रखना दिया है टोटल $100 million इनको भी, यानी पहले का भी 100 और इसका भी 100। अगला, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चीफ जस्टिस ऑफ द कॉमन हाई कोर्ट? पता होगा भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो कि एक UT बन चुका है, दोनों के कॉमन हाई कोर्ट ही हैं अभी, ठीक है, उनके नए चीफ जस्टिस कौन बने हैं? बिल्कुल पंकज मित्तल जी बिल्कुल बने हैं, GS मुर्मू साहब नहीं बने, पहले ये थे वहां के गवर्नर जम्मू कश्मीर के, अब ये CAG में चले गए हैं, और जो मनोज सिन्हा हैं
मनोज सिन्हा की मनोज सिंह, ये भी वहां के गवर्नर हैं। अगला, मलाला यूसुफजई, पता होगा बड़ी फेमस लेडी थी, बड़ी फेमस बच्ची हैं, जिसको कैलाश वर्गीय के साथ मिलके लास्ट ईयर में मिला था क्या नोबेल का शांति पुरस्कार संयुक्त रूप से उन्होंने, तो उनके नाम पर कौन सी कंट्री में स्कॉलरशिप भी स्टार्ट किया गया है? द आंसर इज यूएसए, मलाला यूसुफजई स्कॉलरशिप एक्ट इन यूएसए। अगला, 13 इंडिया वियतनाम डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग, अभी दो देशों में मीटिंग हुई है 13 इंडिया और वियतनाम की, आपको बताना है इस मीटिंग को हमारे तरफ से किसने लीड किया। इसी वियतनाम में याद रखना आसियान का शिखर सम्मेलन भी दोस्तों हुआ था, इसी वियतनाम में याद रखना आसियान का शिखर सम्मेलन भी हुआ था 36 नंबर का, तो याद रखना उसको लीड किसने किया, हमारे डॉक्टर अजय कुमार जी ने। अगला, हु हैज बिन कन्फर्ड द प्रेस्टीजियस प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, किनको 2020 का दिया गया प्रवासी भारतीय सम्मान दिवस, याद रखना हम लोग हर साल 9 जनवरी को NRI डे मनाते हैं, नेशनल प्रवासी दिवस मनाते हैं 9 जनवरी को, वेरी नाइस। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च न्यू एडिशन ऑफ द अटल थिंकिंग लैब ATL हैंडबुक, वेरी नाइस, विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द न्यू एडिशन ऑफ अटल थिंकिंग ATL हैंडबुक, तो याद रखना नीति आयोग ने जब भी कभी देखना थिंकिंग लैब करके अटल से रिलेटेड, तो याद रखना नीति आयोग ने ही उसको लॉन्च किया है, ठीक है, ये थिंक टैंक कहलाता है हमारे देश में। अगला, फतेह, लॉजिक लगाना, फतेह वन एक वेपन सिस्टम है जो कि आपको बताना है कौन सी कंट्री ने टेस्ट फायर किया है टू एवरीबॉडी, फतेह यानी इस कंट्री में फतेह होगा, मुझे बताओ जरा जल्दी से बेटा जायसवाल जी। एक्चुअली क्या है ना, पता नहीं क्या मॉर्निंग से एसी काम नहीं कर रहा, अब इस लॉकडाउन में किसको बुलवाएं कैसे सही करवाएं, वही प्रॉब्लम है, फील करो कि शिमला में है, फील करो कि शिमला में, अच्छा होगा सब। आंसर हमारा हो गया पाकिस्तान इज द राइट आंसर। अगला, कौन से स्टेट के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जिनका नाम है माधव सिंह सोलंकी, जिनका निधन हुआ था, मुझे बताओ जरा जल्दी से आंसर, पंजाब गुजरात गोवा उड़ीसा या उत्तराखंड, What is the right answer? Very nice. अपना छोटा भाई, Very nice. तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा गुजरात के भी भूतपूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे माधव सिंह सोलंकी जी, इनका निधन हो गया। Recently, which following state has announced to launch the country first solar electric रोरो सर्विसेज, यानी कौन से राज्य ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू करने की घोषणा की है। किस राज्य ने देश की पहली सोलर इलेक्ट्रिक रोरो सेवा शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हमारा होगा केरल इज द राइट आंसर, वेरी नाइस। How many of Tejas fighter jet cabinet clear purchase for Indian Air Force, यानी कि Indian Air Force कितने Tejas fighter jet cabinet ने approval दिया है खरीदने के लिए? Very nice. बिल्कुल सही बोला, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा ये खरीदारी होगी और टोटल खरीदे जाएंगे कितने याद रखना 83 इज द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द फ्राइट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,
मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे? व्हाट इज योर आंसर? Which of the following ministry has launched the Freight Business Development Portal? Ministry of Home Affairs, Ministry of Commerce and Ministry of Mines या Ministry of Agriculture? बहुत ही शानदार, इसका आंसर हमारा होगा Ministry of Railway ने Freight Business Development Portal लॉन्च किया है। यानी कि हम जब सामान किसी को देते हैं ना, देने के लिए, सुना होगा आपने RMS से, तो हम ऑनलाइन भी अब इसके बारे में डेटा चेक कर पाएंगे, ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर द इंटायर स्टेट एज कंट्रोल एरिया, कि हमारे प्रदेश पे हमारा पूरा कंट्रोल है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये अनाउंसमेंट कौन से प्रदेश ने किया था? गोवा, पंजाब, आसाम, केरल या उत्तराखंड? व्हाट इज योर आंसर टू एवरीबडी? ओके, यस, ऑक्सीजन एक्सप्रेस करनाल। चलो, तो याद रखना, ये पंजाब ने कहा है। ये किसने कहा है? पंजाब ने कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फर्स्ट वोमेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी कौन सी फर्स्ट वोमेन एम्पायर है टू ऑफिशिएट, जो मेंस टेस्ट मैच में उसने एम्पायरिंग की, और वो मैच किसके बीच में हो रहा था? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। उनका नाम क्या है? फर्स्ट वोमेन एम्पायर टू द ऑफिशिएट मेंस टेस्ट मैच, यानी इंडिया के टेस्ट मैच में किसने, महिला ने एम्पायरिंग की? बिल्कुल सही, तो याद रखना, उनका नाम है क्लेयर पोलोसॉक, क्लेयर पोलोसॉक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बीन ज्वाइंटली डेवलप्ड द JF-17 फाइटर जेट, इनमें से किस देश को संयुक्त रूप से JF-17 लड़ाकू जेट विकसित किया है? भारत और चीन, भारत और रूस, चीन और पाकिस्तान, चीन और रूस या भारत और जापान? JF-17 फाइटर जेट, वेरी नाइस पोलोसॉक। क्या सोच रहे थे कुंदन तुम? कृपया ज्यादा ना सोचें, पूरा फोकस करें। याद रखना, इसका आंसर हमारा है चाइना और पाकिस्तान, ठीक है। अगला, कौन सी कंट्री में वर्ल्ड का सबसे पुराना केव पेंटिंग पाया गया है, यानी कि गुफाओं में जो पेंटिंग होती है ना, तो कौन सी कंट्री में पाया गया है दुनिया का सबसे पुराना पेंटिंग गुफा में? जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, इंडोनेशिया या पाकिस्तान? इंडिया तो नाम में ही नहीं है, इंडिया तो नाम में ही नहीं है, तो याद रखना यह पाया गया है इंडोनेशिया में। Who will be सिंह, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जब राष्ट्रपति बने थे यूएसए के जो बिडेन साहब, तो जो राष्ट्रगान हुआ था वो किसने गाया था? अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन के आयोजन पर राष्ट्रगान किसने गाया था? ए आर रहमान साहब, टेलर स्विफ्ट बहुत फेमस सिंगर है, या लेडी गागा, या इनमें से कोई नहीं? वॉट इज द राइट आंसर? इंडोनेशिया सबसे सस्ता शहर, ओ माय गॉड। इति सिन्हा, हो सकता है कि आपका नेट खत्म हो गया हो, कृपया रिफ्रेश कर लो तो भी सही हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल, लेडी गागा ने, याद रखना, जब जो बिडेन साहब बने थे वहां के राष्ट्रपति, तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में इन्होंने सिंग किया था राष्ट्रगान, नेशनल एंथम। गुवाहाटी हाईकोर्ट, मुझे लगता है कि क्वेश्चन शायद ही किसी का सही होगा,
क्या कहते हैं, ये आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द डे है आज का ये टू एवरीबडी। मुझे बताओ जरा जल्दी से, गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी किनको बनाए गए? हो गया ना, देखो सिन्हा बहुत टैलेंटेड है, सही कर ली। देखो बहुत सही, बिल्कुल सही आंसर हमारा हो गया दो, बहुत सही। सुधांशु धुलिया जी, सुधांशु धुलिया जी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिलीज इट्स नेक्स्ट जनरेशन जियान H-20 स्टील्थ बॉम्बर? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज रिलीज्ड इट्स नेक्स्ट जनरेशन जियान H-20 स्टील्थ बॉम्बर? फ्रांस, चाइना, रसिया, इंडिया, जापान? व्हाट इज द राइट आंसर? तो याद रखना, नेक्स्ट जनरेशन है, स्टील्थ बॉम्बर है, जियान नाम है, तो चाइना ही होगा। एक बार अच्छा नाम किसी ने बोला, कोरोना प्रदेश, आंसर हमारा चाइना। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज स्टार्टेड द फ्री बस सर्विस फॉर वोमेन एंड सीनियर सिटीजन अंडर द ब्रह्म सारथी स्कीम? यानी कौन से प्रदेश में कहा गया कि हम महिलाओं और बुजुर्गों को बस में पैसा देना नहीं होगा? दिल्ली में तो फ्री कर ही दिया था महिलाओं को। दूसरा कौन सा प्रदेश है जहां पे स्कीम के तहत कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा? गोवा, वेस्ट बंगाल, आसाम, पंजाब या उड़ीसा? व्हाट इज योर ओपिनियन? तो याद रखना, आंसर हमारा है आसाम ने ये काम किया, जहां पर अभी हिम्मत बाबू बने हैं वहां के नए मुख्यमंत्री। अगला, ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना, एज पर द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ द इंडिया फॉर कैलेंडर ईयर 2021? एज पर द ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिस्ट व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया फॉर द कैलेंडर ईयर 2020-21? यस बिल्कुल कुंदन, हिम्मत बिस्वा जी नए मुख्यमंत्री आसाम के। यह क्वेश्चन बहुत का गलत होगा। अब जरा इसको रट लीजिए सभी लोग, कुछ मैं इंपॉर्टेंट आपको नोट करा दे रहा हूं, ठीक है। एडीमी ने कहा 8%, फिच ने कहा 9.4%, 9.6%, 8.0%, 7.5%, मैं अपने को हाइड कर लूँ थोड़ा सा, 7.7%, इंडिया ने 7.8%, क्रिसिल ने 7.7%, मोदी ने 10.6%। और याद रखना, ये था लास्ट ईयर यानी कि 2021 जो बीत गया, और याद रखना ये आया है, इसमें अभी सिर्फ चार ने ही फॉरकास्ट किया, डेटा मेरे पास है। S&P ने 10 कहा, इंडियन रेटिंग ने 10.4 कहा, क्रिसिल ने 10 कहा और मोडीज ने 10.8 कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और शायद ही किसी का गलत होगा। इस साल IPL हो रहा था, हाँ वो अलग बात है, पोस्टपोन हो गया, उसके नाम को रिनेम किया है किंग्स इलेवन पंजाब को। आपको बताना है उसका नया नाम क्या हो गया, व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ टीम? पंजाब चैंपियंस, पंजाब नाइट्स, पंजाब वॉरियर, पंजाब लायन या पंजाब किंग? व्हाट इज द राइट आंसर टू एवरीबडी? बहुत ही खतरनाक, तो बिल्कुल सही, पंजाब किंग, उसी वही प्रीति जिंटा की टीम है, ठीक है। अगला, कैप्टन सतीश शर्मा जी अभी बहुत न्यूज में थे 2-3 महीना पहले, इनका निधन हो गया। आपको बताना है यह कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं। कैप्टन सतीश शर्मा जी का निधन हो गया, आपको यह बताना है यह कौन से फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो याद रखना, यह पॉलिटिशियंस हैं। अगला, बहुत फेमस थी ये, इसको जरूर याद रखना, इसको VVI कर लेना। द रोबो कार जिसका नाम है टाइगर X1, नाम जरा समझना, बड़ा यूनिक है, टाइगर X1 जो कि एक अल्टीमेटेड मोबिलिटी व्हीकल है, लॉन्च बाय विच कंपनी? फोर्ड मोटर, टोटा, स्कोडा, हुंडई मोटर या सेवरोलेट?
टाइगर एक्स नाम का एक रोबो कार है बेसिकली। ये इसमें ये जो रोबो कार काम क्या करेगा, जैसे मान लो जो पृथ्वी से बाहर जब रॉकेट से कोई जाता है दूसरे ग्रह पर, तो वहां पे जो नहीं कुछ पार्टिकल्स लाते हैं उसमें दोस्तों ये काम करेगा। तो याद रखना, हुंडई मोटर इज द राइट आंसर। मैं देख रहा हूं बहुत लोगों का आंसर गलत हो रहा है, मैं देख रहा हूं बहुत लोगों का आंसर गलत हो रहा है। अगला, भगवान देखना तो याद कर दो। एक मोबाइल ऐप डेवलप किया है किसी प्रदेश ने, द मोबाइल ऐप नाम है स्नेक पीडिया, जिसमें आपको इस प्रदेश में कौन से सांप हैं, क्या है, सब कुछ इसमें बारी जानकारी दी जाएगी, ठीक है? क्योंकि आसाम में कुछ लोगों की मौत हुई थी सांप के काटने से। स्नेकपीडिया, गुड, बहुत ही शानदार। तो याद रखना उसका नाम है केरला। केरला में सबसे ज्यादा टूरिज्म है, ग्रीनरी है, तो वहां सांप तो हो गई होगा। अगला, चित्र देखो और आंसर दो। फैफ डू प्लेसिस एक बड़े फेमस बैट्समैन हैं, जिन्होंने कहा कि हम अब रिटायरमेंट का समय आ गया है। उन्होंने टेस्ट कैरियर से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। आपको बताना है ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं। वॉट इज द आंसर? तो याद रखना इनका नाम है डुप्लेसिस, और ये साउथ अफ्रीका के बड़े अच्छे बैट्समैन भी हैं, थे मतलब तो नहीं। अगला, एक बड़े प्यारे से प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने रिजाइन दे दिया। आपको बताना है इनका नाम है जियोर्गी खगरिया। जियोर्गी खगरिया ने भी हाल में ही किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, उसका नाम क्या है? आयरलैंड, पोलैंड, जॉर्जिया, स्वीडन और सूडान। सभी लोग, जितने लोग भी देख रहे हैं और जो लोग सेशन को बाद में देखें, मैं उनके लिए एक टास्क दे रहा हूँ। इन सारी कंट्री की मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आपको बताना है कैपिटल और करेंसी, वो भी कहां बताना है पता है, वीडियो के नीचे, ठीक है? चलो, आंसर हमारा क्या हो गया? जॉर्जिया इज द राइट आंसर। बगल में ही अजरबैजान है, बगल में ही अर्मेनिया है, बगल में ही देखो जॉर्जिया, सब अगल बगल है सारी कंट्री। इस साल बजट में कहा गया है कि मान लो आप हमारे देश में ही कुछ प्रोड्यूस करते हो, असेंबल एक करते हो, प्रोड्यूस करते हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बेसिकली, आपको हम सपोर्ट करेंगे। यानी मान लो मैं इंडियन में कोई चीज को मैन्युफैक्चर करता हूं, तो ऐसे मोटिवेशन गवर्नमेंट ने कहा कि हमको सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियल। उसका नाम है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। तो इस योजना के तहत 2021-22 के बजट में सरकार ने कितना पैसा अलॉट किया है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आंसर हमारा हो गया 12,195 करोड़, 12,195 करोड़। अगला, महाबाबू ब्रह्मपुत्रा एक इनिशिएटिव लिया गया है, इसरो पैक्स सर्विस, जो नहीं वो पहाड़ों पे देखोगे रॉप से चलते हैं, सर्विस विच एम टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी। इट वॉज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? महाबाहु ब्रह्मपुत्र पहल एक पैक्स सेवा जिसका उद्देश्य कनेक्टिविटी में सुधार करना है। प्रधानमंत्री ने इसे कौन से राज्य में लागू किया? अभी अभी क्या बोला, ब्रह्मपुत्र है तो आसाम ही होगा। अब जरा समझना ध्यान से, 900 करोड़ की लागत से वहां पर एक बना है माजुली जोरहाट ब्रिज का निर्माण, ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट। प्राइम मिनिस्टर लॉन्च महाबाहु ब्रह्मपुत्र एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ टू ब्रिज इन आसाम, ये कब काम हुआ था? ये हुआ था फरवरी 21 में, ठीक है? अगला क्वेश्चन, गलती नहीं करना। द अपेक्स बैंक ऑफ इंडिया रिसेंटली परमिटेड रेजिडेंट टू मेक रेमिटेंस टू IFSC, यानी अभी भारतीय शीर्ष बैंक ने हाल में ही निवासियों को
LRS के तहत IFSC को प्रेषण करने की अनुमति दी है। आपको बताना है कि LRS का फुल फॉर्म क्या है टू एवरीबडी। यस बिल्कुल जॉब अपनी होगी। एक बार जरा जल्दी से अपने सभी लोग अपने लिए ताली मार दो। यस इस बार 2021 में जॉब ले के मानेंगे। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हमारा होगा सी, रेमिटेंस कहते हैं। अब जरा फुल फॉर्म देख लो, लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम के माध्यम से आप पैसा फॉरेन में भी भेज सकते हैं। अगला, बड़े प्यारे लग रहे हैं, देखिए बड़े धांसू लग रहे हैं, आपको बताना है इनका नाम क्या है। नेम द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमिटी ऑफ द ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यानी कि यूनाइटेड नेशन एडवाइजरी कमिटी का जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल का जो हेड बने हैं वो कौन से पहले भारतीयों को बनाया गया। बहुत ही शानदार न्यूज है भाई, बहुत प्राउड मोमेंट है। यस बिल्कुल सही राठौड़ साहब, बिल्कुल सही। छीन के तो जॉब लेना ही है, जिसने मेहनत कर लिया वो छीन लेगा। तो याद रखना इनका नाम है अजय मल्होत्रा जी। इनका नाम क्या है दोस्तों? अजय मल्होत्रा जी, इन्हीं को मिला है, याद रखना, बहुत बहुत फेमस। अगला, हु अमोंग द फॉलोइंग क्रिकेटर प्लेयर सेटल ऑल रिकॉर्ड एट द इंडियन प्रीमियर लीग ऑक्शन। हम सभी लोगों को पता होगा इससे पहले सबसे महंगा प्लेयर अगर कोई था उसका नाम था युवराज सिंह, गॉट इट। अब आपको ये बताना है कि उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा। क्रिस मॉरिस, बेचारा रिकॉर्ड भी टूटा, इस बार खेलने को भी नहीं मिला, याद रखना, हे भगवान। राजस्थान रॉयल ने इसको खरीदा, और कितने में खरीदा? 16.25 करोड़ रुपीस में, लगभग जरा सोचो 2.323 मिलियन डॉलर। अगला, बहुत टैलेंटेड, देखने से लगे बहुत टैलेंटेड नहीं है। हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ जिनेवा बेस्ड यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, वो जो बने हैं चेयरपर्सन और ये जो बनी है अध्यक्ष। अजीज भाई, जितने भी नए लर्नर हैं ना, मैं चाहता हूं सभी लोग टू एवरीबडी काइंडली सेशन को जरूर शेयर करना। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना टू एवरीबडी। चोईकॉन लिम, बड़ा यूनिक नाम है, तो याद रखना इनका नाम है नजाहत समीन। नजागत से ह्यूमन राइट्स काउंसिल में नजाकत से रहिए, ह्यूमन राइट काउंसिल में नजाकत से रहिए, ठीक है। अगला, जॉर्जिया की नई पीएम, भाई उन्होंने रिजाइन किया तो नए पीएम तो आएंगे, आपको बताना है कि जॉर्जिया की जो कैपिटल है वो क्या है। और याद रखना वहां पर करेंसी लारी चलती है, और वहां की जो बनी है नई प्रेसिडेंट उनका नाम है सलोमी जी बनी है जॉर्जिया की राष्ट्रपति। वेरी नाइस। तिब्लिसी याद रखना जॉर्जिया की क्या है दोस्तों? कैपिटल है। अगला, वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हम लोग कौन सी तारीख को मनाते हैं? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस हम लोग कौन सी तारीख को मनाते हैं टू एवरीबडी? वर्ल्ड ऑफ डे ऑफ सोशल जस्टिस याद रखना हम लोग मनाते हैं हर साल 20 फरवरी को हम लोग मनाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, नेम द इंडियन सिटी विच हैज रिसीव्ड द रिकॉग्निशन ऑफ 2021
ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कहने का सबसे ज्यादा अगर पौधे लगे हैं कहीं तो उसी प्रदेश में लगा है, आपको बताना उस सिटी का नाम। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत अच्छा। और आप सब लोग भी कम से कम एक चीज अपने जीवन में जरूर लगाइए, मेरा कहना है सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोविड 19 में यह दिखा दिया भगवान ने कि भाई ऑक्सीजन नीडेड है, बहुत नीडेड है। रॉन्ग हुआ कोई दिक्कत नहीं, सही भी तो हो रहा। आंसर हमारा हैदराबाद होगा। अगला बड़ा ही प्यारा, डीआरडीओ ने रिसेंटली टेस्टेड किया है, याद रखना पूरी तरीके से भारत में बने हुए हैं, उनके नाम है हेलिना। ये देखो नाम है हेलिना, और याद रखना इसका नाम है ध्रुवस्त्र मिसाइल सिस्टम। आपको बताना है ये दोनों जो मिसाइल हैं ये किस प्रकार के मिसाइल हैं, मतलब एंटी सबमरीन, मतलब कि सबमरीन में मार देंगे, एंटी टैंक है, सरफेस टू सरफेस है, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं, या एयर टू एयर में ही ये दफा दफा कर देंगे। व्हाट इज द राइट आंसर? हेलिना एंड ध्रुवस्त्र मिसाइल। बेटा मैंने जीव मंडल, बस एक काम कर दो, आप बस रिफ्रेश कर लो, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि बिल्कुल दिख रहा है मुझे, सही सही मुझे बहुत बिल्कुल सही सही दिख रहा, आपको भी बहुत सही सही दिखेगा, गारंटी। क्या हो गया भाई, एक बार दोबारा YouTube पे खोलो जरा, ठीक है? तो याद रखना यह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, टैंक से रिलेटेड। अगला, IACE एक सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन विच वॉज रिसेंटली हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ विच कंट्री? IS एक सर्कुलर इकोनॉमी हैकाथॉन, एक मेला जिसे हाल में ही भारत ने कौन सी सरकार के साथ मिलकर ऑर्गेनाइज किया? वेरी नाइस, ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या हो गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। अगला, इसमें से एक बिहार के हैं, मुझे बताओ इसमें से उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर आजाद हैज बीन फीचर्ड इन 2020 टाइम्स 100 नेक्स्ट जनरेशन, ही इज द फाउंडर ऑफ विच भीम आर्मी ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ दलित, मतलब जो निचले स्तर के लोग हैं उनको ऊपर उठाना, उनको उनका विकास करवाना, इनके लिए भीम आर्मी काम करती है। आपको बताना ये जो भीम आर्मी है ये कौन से स्टेट से बिलोंग करती है? व्हाट इज द राइट आंसर? वेरी नाइस, एक बार थोड़ा उसका वो कर लो, रेजोल्यूशन बड़ा कम कर लो जरा मनदीपा, तो एक काम करो जो रेजोल्यूशन है ना उसको थोड़ा कम कर लो, तो ऑटो पे लगाओ जरा, ऑटो पे लगाओ या 360 पे लगाओ, है ना, रेजोल्यूशन को थोड़ा सा कम कर लो, सही हो जाएगा। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा क्या, बताओ मुझे जल्दी से, वह प्रदेश कौन सा है? तो याद रखना उस प्रदेश का नाम है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और याद रखना जो भी अभी हमारे नए व्यूअर्स हैं जो सेशन को बाद में देखते हैं, कहले मुझे आप अनकेडमी पे फॉलो करो, माय नेम इज़ राजीव मिश्रा, और मेरा कोड जरूर यूज़ करिएगा जब भी कुछ खरीदते हैं अनकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। टू एवरीबडी, बिल्कुल आगे होंगे। अगला, विच इंडियन शिप, आपको बताना है ऐसा कौन सा इंडियन शिप है जिसने पार्टिसिपेट किया है इन द नेवल डिफेंस एग्जीबिशन जिसको हम लोग नेवडेक्स 21 कहते हैं एंड इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन,
इन अबू धाबी, यानी कि देश के बाहर अबू धाबी में, ठीक है? आपको बताना उसका नाम टू एवरीबडी। बड़ा यूनिक नाम है, INS प्रलय, प्रलय ला दिया इसने, प्रलय ला दिया। अगला, अभी हाल ही में इनकी शादी हुई है, ठीक है? नेम द प्लेयर हु हैज क्लिंच वोमेन सिंगल, दूसरी शादी हुई एक्चुअली, क्लिंच वोमेन सिंगल टाइटल एट द 82 नंबर सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप। अभी हाल ही में इनकी दूसरी शादी हुई, बड़ा फेमस खिलाड़ी हैं। आपको बताना है नाम, मीना परांडे, नेहा अग्रवाल, अंकिता दास, रश्मि देसाई, क्या नाम है इनका? मनिका बत्रा, अंकिता दास, नेहा अग्रवाल, व्हाट इज द आंसर? तो याद रखना इसका आंसर है सी नंबर, इनका नाम है मनिका बत्रा, मनिका बत्रा इज द राइट आंसर। अगला, CSIR ने अभी हाल ही में कोलैबोरेट किया है विथ विच एंटिटी टू प्रमोट हेल्थ रिसर्च इन इंडिया? कुछ बेहतर करो कुंदन भाई, आपकी शादी बिल्कुल हो जाएगी, क्यों नहीं होगी? भावनाओं की कदर को कुछ ऐसा कर लो कि हर कोई आपके साथ करना चाहे टू गेट द जॉब। गुड इवनिंग अंजना सिंह जी, आप आज मैराथन में देर से आए, क्या हो गया? संडे है, काम होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, बड़ी फेमस एनजीओ है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। 20 फरवरी को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, बिल्कुल पता है। अब मुझे बता दो इस वर्ष का थीम क्या था? अच्छा हाँ, अभी मैं 2 से 3 दिन बाद एक सेशन लेके आ रहा हूँ डेट्स पर, ठीक है, उसको जरूर देखना। जीवन में बहुत दुख है पर मेरा दुख सबसे कम है। तो याद रखना इसका जो थीम होगा वो थीम है बड़ा यूनिक। थीम क्या है? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी, यानी कि इन डिजिटल इकोनॉमी में आप क्या बेहतर कर सकते हैं फॉर सोशल जस्टिस के लिए। अगला, बड़े प्यारे लग रहे हैं देखने में, ये श्रीलंका के एक बड़े फेमस फास्ट बॉलर हैं जिन्होंने कहा अलविदा क्रिकेट। क्या कहा? अलविदा क्रिकेट। आपको बताना है इसका नाम, इनका नाम क्या है? यस भाई, कृपया बी फोकस भाई, इंपॉर्टेंट है, मुझे लास्ट में स्कोर भी बताना है आप लोगों को। तो याद रखना इनका नाम है धमिका प्रसाद। धमकी देने वाले श्रीलंका के प्लेयर ने रिटायरमेंट ले लिया, धमकी देने वाले श्रीलंका के प्लेयर ने रिटायरमेंट ले लिया। अगला, हु अमोंग द फॉलोइंग हैज फास्ट कन्फर्म दैट नासा प्रिजर्वेंस रोवर सेफली लैंडेड ऑन मार्स? अनीता सेन गुप्ता, कमलेश लूला, अश्विन वसावदा, स्वाति मोहन या मैप्पन, व्हाट इज द राइट आंसर? किसने इस बात की पुष्टि की कि फाइनली मार पर जो रोवर था उसने लैंड कर दिया? आंसर हमारा क्या है? स्वाति मोहन, स्वाति मोहन जी ने ये कंफर्म किया। अगला, मट्टी, जो मिट्टी होती है वो कैसी है,
उपजाऊ है कि नहीं, इसके लिए याद रखना एक सॉयल हेल्थ कार्ड स्कीम लॉन्च की गई हमारे देश में, जो बताती है किसानों को भाई आपकी जो ज़मीन है वो बड़ी ज़मीन अच्छी मिट्टी है, यह कौन से ईयर में स्टार्ट किया गया टू एवरीबडी। सभी लोगों को स्कोर बताना है लास्ट में, इसलिए कह रहा ध्यान से पूरा देखो, 200 में अगर किसी का स्कोर 150 से कम आया तो सोच लेना पिटाई पड़ेगी। तो याद रखना 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला, हाउ मैनी, अभी पीछे देखा है, हाउ मैनी इंडियन ओरिजिन पीपल हैव बीन फीचर इन द टाइम 100 नेक्स्ट 2021, यानी टाइम्स, देखो कितना क्वेश्चन को बदलता है घुमाता, देखो उस बात को समझिए कि एग्जामिनर एक ही क्वेश्चन को कितनी बार घुमा सकता है, इसलिए घुमाने पे भी हमको गलत नहीं करना है। कितने लोगों को इस लिस्ट में शामिल किया है, वेरी नाइस। तो याद रखना इसकी शुरुआत बी नंबर, यानी कि 5 लोगों को शामिल किया गया। अभी हम लोगों ने देखा एक भीमसेना थे यूपी वाले। अगला, ये आज का दूसरा हलवा क्वेश्चन है, यह आज का दूसरा हलवा क्वेश्चन है, गलत मत करना। ऑस्ट्रेलियन ओपन इस साल का सबसे पहला टूर्नामेंट, इसमें मिल का खिताब किसने जीता पुरुष वर्ग में, डैनियल मेडवेदेवा, नोबाक दोजोगोविक, एसलियान फेडरेको या रोजर फेडरर। व्हाट इज द राइट आंसर टू एवरीबॉडी, व्हाट इज द राइट आंसर टू एवरीबॉडी। जिनको थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी टेनिस की, उन्होंने चित्र देख के सही सही मार दिया होगा। नोवाक दोजोविक को भी याद रखना, वर्ल्ड का नंबर वन प्लेयर है लगातार 3 साल से, और 7 बार रिकॉर्ड टूटा है इसका। अगला, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लिंक ए पैक्ट विथ विच कंट्री टू सेटअप ए सेंटर ऑफ एक्सलेंस ऑन हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन पे काम करने के लिए हमने इंडिया ने अभी रिसेंट में कुछ महीनों पहले किसके साथ एक पैक्ट किया, एक एग्रीमेंट किया। यस, नोवाक जो है वो सारेबिया का है, बिल्कुल, जो नोवाक है। वेलकम कामरी, वेलकम। भारत सरकार ने नॉर्वे के साथ ये एग्रीमेंट किया है, जहां पर नॉर्वे में नोबेल का पीस प्राइज दिया जाता है, है ना। अगला, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने रिसेंटली अभी सेंशन किया है 9 करोड़ रुपए बिल्ड स्मार्ट आंगनवाड़ी केंद्र, यानी कि जो गांव में स्मार्ट इस आंगनवाड़ीज होती हैं जो बेसिकली रूरल्स में सपोर्ट करती हैं, तो कौन से प्रदेश ने कहा उसको थोड़ा मॉडर्नाइज बनाएगा, उसके लिए 9 करोड़ रुपए सेंशन किया है, उस स्टेट का नाम क्या है। तो याद रखना उसका नाम हो गया हमारा केरला, इज द राइट आंसर। अगला, नोवाक दोजोकोविक तो हो गया, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में किसने प्राइज जीता वोमेन सिंगल का, उनका नाम क्या है। गारंटी से क्वेश्चन देखना, गारंटी आएगा 100%। मनदीपा ना ओके, नेट इशू रिजॉल्व हो गया है ना, गुड, बहुत अच्छा, हो ही जाना चाहिए था। चलिए, तो याद होगा ये वही प्लेयर हैं जो बड़ा पैसा कमाती है ना, नाओमी ओसाका। जरा समझना, और इन्होंने किसको हराया, इन्होंने इनको हरा दिया, जेनिफर को हरा दिया और ओसाका जी जीत गई।
स्किल यूनिवर्सिटी हमारे देश में द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द फर्स्ट एवर स्किल यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न इंडिया हैज बीन लेट इन विच स्टेट, किस राज्य में पहली बार पूर्वी भारत के कौशल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई? वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड, सिक्किम या नागालैंड? यस, नाओमी ओसाका जापान की अभिषेक, बिल्कुल वह जापान की हैं। आंसर हमारा है, याद रखना, हमारे देश में नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल स्किल इंडिया को देखती हैं, याद रखना, और उसी के अंतर्गत प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र कह लो या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कह लो, तो इसका जो सेंटर बना है पहली बार कहाँ बना है? पहली बार बना है आसाम में। अगला, द इंडिया और इंडोनेशिया, अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले इन दोनों कंट्री के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है नेवी वाली, जिसको हम लोग नाम दिए हैं पैसेज। आपको बताना है ये कौन से रीजन में हुआ है, यानी कौन से ओशियन में हुआ है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बिल्कुल सही, अरेबियन सी, कहां पर हुआ है? अरेबियन सी। अगला, इंडिया हैज रिसेंटली साइन एग्रीमेंट रिलेटेड टू वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी विथ विच कंट्री, यानी उस कंट्री के साथ वीजा को लेकर और लेदर टेक्नोलॉजी को लेकर हमने अभी हाल ही में वहां से सम्मान किया है, एग्रीमेंट किया है, उस कंट्री का नाम क्या है? इंडिया हैज रिसेंटली साइन एग्रीमेंट रिलेटेड टू वीजा फैसिलिटेशन एंड लेदर टेक्नोलॉजी विथ विच कंट्री, इथोपिया, मालदीव, श्रीलंका, मॉरिशस, बांग्लादेश? आंसर क्या होगा टू एवरीबडी? तो याद रखना आंसर हमारा होगा इथोपिया। इथोपिया की करेंसी और इथोपिया की कैपिटल मुझे बताओ जरा जल्दी से, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से कि इथोपिया की कैपिटल एंड इथोपिया की मुझे बताओ जरा जल्दी से करेंसी क्या है। यस, बिल्कुल, चमरा वाला, जिसके लिए कानपुर यूपी में बड़ा फेमस है। वेरी नाइस अदिस, अदिस अबाना कैपिटल और बिर इज करेंसी, बहुत ही शानदार यार, बहुत ही शानदार। अगला, द यूनाइटेड स्टेट हैज ऑफिशियली रीज्वाइन द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट इन फरवरी 2021, द लैंडमार्क डील वॉज साइन इन विच ईयर? अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर फरवरी 2021 में पेरिस जलवायु समझौतों को फिर से शामिल कर लिया, ऐतिहासिक सौदे पर दो हस्ताक्षर किए गए थे, वो कौन से ईयर में किए गए थे? वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, शंभुनाथ, कुंदन जी, आरोही, अभिषेक, अजीज, वी आर, बहुत अच्छा। तो याद रखना ये साइन किया गया 2015 में। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पहले पढ़ो और तब आंसर दे। इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान से पढ़ो, उसके बाद आंसर सही सही देना। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे? हम लोग हर साल जो मनाते हैं, आपको बताना है इसका थीम क्या है। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2021? जरा सोच के आंसर देना सभी लोग। तो याद रखना, फॉस्टरिंग मल्टी लिंगुअलिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी, शिक्षा और समाज में शामिल करने के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना, मतलब मल्टीपल चीज़ें लोगों को आनी चाहिए, मल्टीपल लोगों को शामिल करना चाहिए। दैट इज़ नॉट नेसेसरी
कि भाई मुझे बस इंग्लिश नहीं आते तो मुझे आप शामिल नहीं करोगे सोसाइटी में, ऐसा कहना नहीं है। गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में प्रूव किया था कि आप कौन सी फैक्ट्री कौन सी कंपनी को भाई बंद कर दो, अब लोग इसकी गाड़ी को नहीं खरीदेंगे। मारुति सुजुकी, स्कूटर इंडिया, हीरो मोटर्स, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या इनमें से कोई नहीं। व्हाट इज द राइट आंसर? कुंदन भाई अभी बताना नहीं है, बताना है बाद में। कितने लॉन्ग हुए हैं मुझे देखना है किसका स्कोर आता है ऐसे 190/200। जिनका ये आ गया उनको मेरी तरफ से फोन जाएगा और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलूंगा, पक्का वादा। जिनका ये आ गया 190/200, ये मेरा वादा है, ये मैं लाइव बोल रहा हूँ सभी लोगों को, बट सही सही बोलना। तो याद रखना, स्कूटर इंडिया को पूरी तरीके से बंद करने के लिए कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। अगला, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को? मोरक्को की कैपिटल क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को? मोरक्को की कैपिटल क्या है? अच्छा, मैंने एक सेशन लिया था अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे कैपिटल और करेंसी पर, ठीक है, मैं दूसरा सेशन भी लूंगा, उसको जरूर देखना सभी लोग। सियोर 100% लाइव बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं, गारंटी। वेरी नाइस। जब आप लोग इतनी मेहनत कर सकते हो तो मैं एक छोटा सा कॉल नहीं कर सकता हूं क्या? इतना भी मैं वो नहीं हूं, बिल्कुल करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। इमोशन आई हैव ऑल्सो, वेरी नाइस। रबत, क्या नाम है? रबत। अगला, यस कुंदन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूटी ए फ्लैगशिप स्कीम सगुन, यानी कौन से राज्य ने एक नई स्कीम स्टार्ट की है सगुन? अच्छा, आपको अगर याद होगा यही स्कीम SBI ने भी स्टार्ट किया था एज ए इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर आपको याद होगा, और स्टेट कौन सा मुझे बताओ जरा जल्दी से, सगुन स्कीम कौन से प्रदेश ने स्टार्ट किया टू एवरीबडी? काउंट कर लो सुमेश बाबू, जब से ज्वाइन किए हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था सभी लोगों को, याद रखना आंसर है पंजाब ने किया है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप कंट्री इन द ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स फॉर बीइंग द वर्स्ट हिट कंट्री बाय क्लाइमेट चेंज? जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश के लिए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में कौन सा देश सबसे ऊपर यानी सबसे खराब है? इंग्लैंड नहीं हो सकता, इराक, ईरान, मोजाम्बिक या इनमें से कोई नहीं? पहले आप बताओ तब आंसर बताऊंगा। व्हाट इज द राइट आंसर? मोजाम्बिक, इंग्लैंड, इराक या ईरान, जहां सबसे कहानी सबसे खराब है। सब लोग आंसर मार रहे हैं मोजाम्बिक। अगर सब लोग मार रहे हैं तो सही होगा, बिल्कुल मोजाम्बिक इज द राइट आंसर। अगला, जरा ध्यान से समझना, हाउ मच अमाउंट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंक्रीज टू एन नवंबर लास्ट ईयर, यानी कि एक जो रिपोर्ट आई है मार्च में, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो हमारे देश का FDI है वो इंक्रीज हुआ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो आपको ये बताना है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितनी बढ़ोतरी हुई है टू एवरीबडी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कितनी राशि बढ़ी, ये मुझे बताना है टू एवरीबडी। गुड वन आजीज, स्किप भी हो सकता है, बिल्कुल सही, स्कोर कम से कम खराब तो नहीं आएगा। तो याद रखना, इसमें जरा दो डेटा जरूर याद रखना, अगर कोई पूछता है आपसे कि बताइए 2021 में कौन सी कंपनी
का हमारे देश में हुआ था सबसे ज्यादा एफडीआई, लार्जेस्ट? तो आंसर हमारा होगा सिंगापुर। ठीक है, और अगर पूछेगा वर्ल्ड में किसका सबसे ज्यादा हुआ है, तो हम क्या कहेंगे? चाइना। और पूछेगा अगर मान लो कि दूसरे नंबर पे कौन हमारे देश में, तो क्या कहेंगे? यूएसए। ठीक है, चलो अगला। इंडिया हैज इंक ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विथ द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। आपको बताना है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी सोलर के रिलेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? योर टाइम स्टार्ट नाउ। संडे इज ऑल्सो वर्किंग डे फॉर मी, वी आर मिश्रा, आई एम स्टिल वर्किंग ऑन संडे, आई हैव टेकन मैनी लेक्चर टूडे जस्ट बिकॉज ऑफ ऑल एंड मैनी लर्नर हु फील ड्रीम जॉब, आई ट्राई टू गिव यू समथिंग विच इज इन माई हैंड यार, आई ट्राई टू गिव यू ऑल द मेंबर्स, दैट इज माई नॉलेज विच इज इन माई हैंड। वेरी नाइस टू एवरीबडी। द आंसर इज, द आंसर इज, मैं अपने को हाइड कर रहा हूं फॉर द टाइम बिंग, द आंसर इज पैरिस। वेरी इजी, द आंसर इज पैरिस। फ्रांस की राजधानी पैरिस में है, 30 मेंबर हैं, और याद रखना इसका जो हेड है थोड़ा यूनिक है, उनका नाम है फतीही, फतीही, एफ ए टी आई एच। ठीक है, अगला क्वेश्चन। द इलेक्शन कमीशन हैज रोल आउट द इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द वोटर फोटो आइडेंटिटी कार्ड ईपी इपिक विच कैन बी बैक। आई एम अगेन बैक, लेट नहीं करूंगा, तुरंत बोला, तुरंत लाइव, बैक लाइव, आज जान नहीं छोड़ना, आज पूरा करना है टू एवरीबडी। ठीक है, तो आपको बताना है कि हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, जिसको अभी हाल ही में गोवा का गवर्नर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया और बना भी दिया है शायद। वेरी नाइस टू एवरीबडी। द आंसर इज सुनील अरोरा। याद रखना जो मेन है वो सुनील अरोरा है, उसके बाद राजीव कुमार भी हैं और सुशील चंद्रा भी हैं, लेकिन जो मेन हेड होते हैं तीनों में वो कौन है? सुनील अरोरा इज द राइट आंसर। ओके, चलो अगला। सुधार पार्टी की नेता एस्टोनिया अभी हाल ही में किसी कंट्री की बनी है पहली महिला प्रधानमंत्री, यानी हु इज द बिकम फर्स्ट एस्टोनिया फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर। उनका नाम क्या? बहुत ही प्यारा नाम है और उम्मीद करता हूं आप गलत नहीं करोगे। हु इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया, और याद रखना दिस इज रिफॉर्म पार्टी की हैं ये मेंबर, तो याद रखना काजा कल्लास यही है। देखो कितनी सीधी लग रही है, लेकिन जरा सोचो यह हमारे एस्टोनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन चुकी हैं। दिस इज कॉल्ड वोमन कैन डू एनीथिंग, आई एम प्राउड टू बी द वोमन कैन डू एनीथिंग। अगला, ध्यान से, द ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डैश वॉज सेलेक्टेड फॉर स्पेशल अवार्ड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अप्लीकेशन इन इलेक्शन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI इन द नेशनल बेस्ट इलेक्ट्रोल प्रैक्टिस अवार्ड 2020। आपको बताना है मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय को, कहाँ के कार्यालय को राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन व्यवहार पुरस्कार 2020 में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव में सूचना प्रौद्योगिकी आवेदनों के लिए विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया था, वो कौन सा स्टेट है? अच्छा मुझे बता दो जरा जल्दी से,
कि कब मनाते हैं हम लोग नेशनल वोटर्स डे, मुझे बताओ जरा जल्दी से, नेशनल वोटर्स डे मुझे बताओ जरा जल्दी से हम लोग कब मनाते हैं। इतना वोट 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 हो गया, जरा बताइए तो जल्दी से नेशनल वोटर्स डे हम लोग कौन से डे मनाते हैं। तो याद रखना यह मनाते हैं 25 जनवरी, वोट देने का अधिकार, ठीक है, वोट देने का दोस्तों अधिकार। और जो स्टेट है उसका नाम है दोस्तों मेघालय। अगला, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कस्टम डे 2021। आपको बताना है 2011 में व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल कस्टम डे 2021। वेरी नाइस टू एवरीबडी, बहुत ही शानदार, अभिजीत, कुंदन, अंजना, निधि गुप्ता, वेरी नाइस। और मुझे साथ में ये भी बता दो कि इंटरनेशनल कस्टम डे हम लोग कब मनाते हैं, इंटरनेशनल कस्टम डे हम लोग कब मनाते हैं, मुझे साथ में ये भी बता दो जल्दी से। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 2021 का विषय क्या है। तो याद रखना जो विषय है बहुत प्यारा विषय है जो कि करंट टाइम से रिलेटेड है, जो करंट टाइम से बेटा याद रखना रिलेटेड है। कस्टम बॉलस्ट्रिंग रिकवरी रिन्यूअल एंड रेजिलेंस, दिस इज कॉल्ड इंटरनेशनल कस्टम डे का ये थीम है। और कब मनाते हैं, 26 जनवरी को। कब मनाते हैं, उसी दिन मनाते हैं जिस दिन मैंने 5 घंटे की मैराथन ली थी, याद है आप लोगों को, 26 जनवरी 2021 को मैंने 5 घंटे की मैराथन ली थी बिफोर द एग्जामिनेशन ऑफ SBI मैनी अदर एग्जामिनेशन। अगर आपको याद होगा सवेरे 7 बजे से लेकर और दोपहर के 12:20 तक मैंने वो सेशन लिया था, आप लोगों ने देखा था, यस और नो, नॉन स्टॉप 5 घंटे, 5 घंटे से ज़्यादा ही चला था, जिसमें मैंने कवर किया था जुलाई से कंपोजिट। अभी वेरी सुन में एक वैसा सेशन और भी लेके आने वाला हूँ, टेंशन मत लेना। चलो अगला, हु हैज बीन कन्फर्ड विथ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट 51 हेल्ड इन गोवा। अभी हाल ही में गोवा में अवार्ड हुए हैं इंटरनेशनल फिल्म फेडरेशन इंडस्ट्री वाले हमारे देश के, तो किनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। यस श्रीवास्तव जी, वेरी सून, यस यस यस, पता नहीं बहुत लोगों ने देखा कि नहीं देखा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर ऑल द मेंबर। हाँ और भी थी, वेरी नाइस। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा, इसका आंसर हमारा होगा सी नंबर, विटोरियो जी को मिला था, विटोरियो जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, एक इटली के हैं, इटालियन सिनेमाटोग्राफर जो बेसिकली ये सारी मूवी के लिए बड़े फेमस जाने जाते हैं, इन्हीं को मिला था ये सम्मान, ठीक है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल फिनांस सर्विस सेंटर, अभी पीछे बताया है हेडक्वार्टर कहां पर है IFSC का, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर का हेडक्वार्टर कहां पर है। तो याद रखना अभी पीछे बताया है गुजरात में है, कहां पर है, गुजरात में है, ओके। और याद रखना ये पिछले साल ही अप्रूव हुआ है, ठीक है। द अथॉरिटी विल रेगुलेट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सच एज सिक्योरिटीज डिपॉजिट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस फाइनेंशियल सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच हैव बीन प्रीवियसली अप्रूव्ड इन बाय एनी अप्रोप्रिएट रेगुलेटर सच एज RBI, SEBI इन एन IFSC।
अगला क्वेश्चन, कौन से प्रदेश ने, हम अगर आपको याद होगा 24 जनवरी को हम लोग हर साल मनाते हैं राष्ट्रीय गर्ल्स डे, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, तो उसी दिन याद रखना किसी प्रदेश ने लॉन्च किया था पंख अभियान। आपको बताना है कि जो पंख अभियान है ये कौन से स्टेट ने लॉन्च किया था। पता है इस पंख का फुल फॉर्म भी है, टू एवरीबॉडी, इस पंख का फुल फॉर्म भी होगा, इस पंख का फुल फॉर्म भी होगा। वेरी नाइस टू एवरीबॉडी, बहुत ही शानदार, जितनी भी गर्ल्स हैं सभी को भाई बहुत अच्छी स्कीम है। पंख, पंख का फुल फॉर्म है, देखो फुल फॉर्म क्या होगा, पी मतलब होगा प्रोटेक्शन, होना ही चाहिए, ए मतलब अवेयरनेस उनके अधिकारों का, होना ही चाहिए, एन मतलब न्यूट्रिशन, उनको पोषण पूरा मिलना चाहिए, नॉलेज ज्ञान का बढ़ावा देना चाहिए, और स्वास्थ्य पे फोकस करना चाहिए। मैं मानता हूँ दुनिया में अगर आपने गर्ल्स की इज्जत नहीं की तो याद रखना कोई इज्जत करना कोई वैल्यू नहीं है, उनका सम्मान आपको हमेशा करना चाहिए। टू एवरीबॉडी, टू एवरीबॉडी, मेरा सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, टू एवरीबॉडी हमेशा कभी भी किसी फीमेल को अपमान मत करे, वो मतलब भगवान का साक्षात रूप होती हैं यार। अगला, विच कंट्री वॉज द लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ FDI, ओ माई गॉड, अभी तो बताया, इन इंडिया 2020 एज पर द रिपोर्ट ऑफ UNCTAD, यानी हम कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से इंडिया की कौन सी कंट्री में, इंडिया में कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा निवेश किया है। अभी पीछे बोला है गलती मत करना, तो गलती की गुप्ता जी, फिर आपने गलती कर दिया, नॉट यूएसए, वेरी नाइस। तो याद रखना ये हो गया हमारा आंसर क्या, डी नंबर, सॉरी देखो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि विश्व में सबसे ज्यादा FDI किसने हो, उसमें कहीं भी इंडिया का नाम नहीं लिखा, सो डोंट बी कंफ्यूज, मैंने बोल गलत दिया, इसका आंसर हमारा चाइना होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने ये समझ लिया इंडिया के लिए पूछ रहा है, विश्व में सबसे ज्यादा FDI किसका होगा, चाइना का। अगर हमारा पूछता तो आंसर क्या होता, तो आंसर हमारा होता सिंगापुर। ओके, क्लियर, क्लियर टू एवरीबॉडी, आंसर चाइना होगा, ठीक है, चलो थैंक यू। चाइना वॉज लार्जेस्ट रेसिपेंट ऑफ FDI इन 2020, ये किसने कहा, UNCTAD ने कहा। अगला, द सैटेलाइट राइट शेयर मिशन ट्रांसपोर्टर 1 वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली टू लॉन्च रिकॉर्ड ब्रेकिंग 143 सैटेलाइट इनटू स्पेस इन ए सिंगल मिशन, यानी एक मिशन में 143 सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेज दिया गया, ठीक है, किसके माध्यम से, योर टाइम स्टार्ट नाउ। यस भावना, वर्ल्ड चाइना, इंडिया सिंगापुर, व्हाट इज द आंसर, स्पेस एक्स, इसरो, नासा, ब्लू ओरिजन या CNSA। उपग्रह राइडेशन मिशन ट्रांसपोर्टर 1 को हाल में ही के संगठन द्वारा एक ही मिशन में अंतरिक्ष में रिकॉर्ड तोड़कर 143 उपग्रहों को एक साथ भेज दिया गया। तो याद रखना एक ही कारनामा करेगा SpaceX, यानी कि इलोन मस्क साहब, जिनकी कंपनी क्या है, टेस्ला। 2 साल पहले इनको कोई जानता नहीं था, 2 साल में इतने ज्यादा ये फेमस हो गए हैं, इवन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए थे कुछ दिनों के लिए। अगला, मार्सेलो रेबेलो कहीं के बने हैं दूसरी बार राष्ट्रपति,
मार्सेलो रेबेलो साहब, आपको बताना है यह कौन सी कंट्री के बने हैं? दोबारा राष्ट्रपति मार्सेलो एंड रेबेलो। मार्सेलो रेलेलो, वेरी यूनिक नेम। डी सोमा ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा बने हैं वहां के राष्ट्रपति? तो याद रखना आंसर हमारा डी होगा, पुर्तगाल। ये वही पुर्तगाल है जिसने अभी रिसेंट में यूरोपियन यूनियन को लीड किया था। अगला, ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में, ये तो शायद हो गया था ना। अगला, एज पर द लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक रिपोर्ट, देखो यहां क्वेश्चन जनरेट हो रहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को कौन रिलीज करता है? तो याद रखना इस रिपोर्ट को IMF रिलीज करता है। उसने इंडिया का GDP पिछले साल के लिए कितना प्रोजेक्ट किया था 2021 में? योर टाइम स्टार्ट नाउ। जल्दी से, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इंडिया का 2021 में जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट था वो मुझे बताओ कितना फॉरकास्ट किया था? इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो याद रखना आंसर हमारा हो गया -8%। -8% इज द राइट आंसर। अगला, 2021 में पद्म अवार्ड कितने लोगों को दिया गया था? हाउ मेनी पद्म अवार्ड हैज बिन अनाउंस बाय 2021, जिसमें तीनों कैटेगरी आएगी, पद्म विभूषण भी आएगा, पद्म भूषण भी आएगा और पद्म श्री भी आएगा। तीनों अवार्ड मिलाकर कितने अवार्ड दिए गए टोटल? बहुत ही अच्छा, एक बार मैं देख लूंगा कुंदन, अगर आपने बोला तो एक बार मैं देख लूंगा कि -8, लेकिन जहां तक तो मुझे याद है 11 था, बट मैं देख लूंगा एक बार, कंफर्म मैं देख लूंगा। चलो तो याद रखना टोटल 119 लोगों को दिया गया है। बाकी आप लोगों के लिए मेरा टास्क है, जो उस वीडियो को बाद में देखते हैं, आप मुझे बताना कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया है, कितने लोगों को पद्म भूषण दिया गया है और कितने लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक है, आप मुझे बताना कमेंट करके। अगला, हु हैज बिन फेलिसिटेटेड विथ द इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड एट द 51 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया? विश्वजीत चटर्जी, माला सिन्हा, तरुण मजुमदार, सौमित्रा चटर्जी या कामिन कलेव? 51 नंबर का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? व्हाट इज द राइट आंसर? योर टाइम स्टार्ट नाउ। वेरी नाइस, इसका आंसर हमारा होगा विश्वजीत चटर्जी। अगला, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया? व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ऑफ इंडिया एज पर द यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड सोशल अफेयर इन द कैलेंडर ईयर 2020-21? वॉट इज द आंसर? अन अकेडमी, लेट्स क्रैक इट। वेरी नाइस, आंसर हमारा होगा सी नंबर, 7.3। वेरी गुड। अगला,
Who among the following has been awarded Padam Vibhushan 2021 in public affair category? यानी कि जो अवार्ड मिले थे 119 लोगों में से एक पब्लिक अफेयर कैटेगरी में किनको ये अवार्ड दिया गया है, आपको ये बताना है। जरा ध्यान से इसको अटेम्प्ट करना, बड़ा आसान है। लेट्स क्रैक इट। नदीम साहब बैक, बिल्कुल सही। रुकना नहीं है, हारना नहीं है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, याद रखना भैया, सिंपल। तो याद रखना, ये न्यूज में बहुत रहा था। शिंजो आबे, जो पता होगा आपको, जापान के भूतपूर्व पीएम हुआ करते थे, उनको ये अवार्ड दिया गया था। ये जापान के एक्स पीएम हैं, ठीक है। अगला, विच बैंक इनॉगरेटेड, कौन से बैंक ने इनॉगरेट किया इट्स इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी रिसेंटली। अभी मैंने पीछे बताया था, कौन से बैंक ने अभी हाल ही में गिफ्ट सिटी में ओपन किया है अपना इंटरनेशनल बैंकिंग यूनिट, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, उस बैंक का नाम क्या है। टू एवरीबॉडी, वेरी नाइस, उस बैंक का नाम क्या है। चलो अगला क्वेश्चन। अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा, यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने NCLAT, एक ट्रिब्यूनल होता है, उसका एक बेंच कहीं पे ओपन किया था, उसके एक डिवीजन कहीं पे ओपन किया था, वो कहां पे किया था। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से। टू एवरीबॉडी, तो याद रखना, यह ओपन किया गया था चेन्नई में। कहां पे ओपन किया गया था, चेन्नई में। और याद रखना, यही वेलकम टू नेशनल कंपनी लॉ एपिलेटेड ट्रिब्यूनल होता है, जिसके चेयरमैन वर्तमान में अभी एक्टिंग चेयरमैन कौन है, जस्टिस बंसी लाल भट्ट साहब। अगला, प्रशांता दोरा, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, आपको ये बताना है ये कौन से स्पोर्ट के साथ एसोसिएट थे, क्रिकेट, शतरंज, हॉकी, फुटबॉल या बैडमिंटन। व्हाट इज द राइट आंसर टू एवरीबॉडी। व्हाट इज द राइट आंसर, वेरी नाइस। तो याद रख रहे हैं, फुटबॉल के साथ एसोसिएट थे प्रशांत दोरा जी। अगला, कौन सा स्टेट है जिसने, जरा सोचो ना, वहां के लोग को अब मतलब जेल में क्या हो रहा वो दिखाएगा, ऐसा कौन सा स्टेट जिसने लॉन्च किया है जेल टूरिज्म इनिशिएटिव टू हेल्प स्टूडेंट्स लर्न अबाउट हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा। व्हाट इज द राइट आंसर। तो याद रखना, ये सब खुराफाती काम करने वाला महाराष्ट्र ही है। द आंसर इज महाराष्ट्र। यह क्वेश्चन मैं नहीं बोलूंगा, और जिसने गलत कर दिया सोचो पिटाई पड़ेगी ऑनलाइन। पानी समझ रहे हो गिलास में क्या करना है। यह आज का दूसरा हलवा क्वेश्चन है, हलवा क्वेश्चन। ए 19-year-old हरिद्वार की बेस्ट स्टूडेंट बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड, जस्ट लाइक ए नायक मूवी, फॉर वन डे ऑन नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे। आपको ये बताना है उसका नाम क्या है, यानी कि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो हम मनाते हैं 24 जनवरी को, कब मनाते हैं 24 जनवरी को, उन्हीं की याद में हम लोग ये ऑर्गेनाइज करते हैं। कितनी लकी होगी है ना। याद रखना, उसका नाम है सृष्टि गोस्वामी। जितने भी गोस्वामी वाले एकदम खुश हो जाए, सृष्टि गोस्वामी बनी थी नायक मूवी की तरह एक दिन की सीएम। अगला, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में सबसे खराब तो मोजाम्बिक है, बट हमारा रैंक क्या है, मुझे बताओ जरा जल्दी से, इंडिया का रैंक क्या है। व्हाट इज द
What is the rank of India in the Global Climate Risk Index 2021? 14, 7, 26, 9 या 12? गुप्ता जी बनोगे सीएम तुम भी, तो याद रखना इनकी रैंक, हमारी रैंक जो है वो 7, हम भी कोई अच्छे नहीं है, हम भी कोई अच्छे नहीं है। नेम द फर्स्ट एवर स्टेट ऑफ इंडिया टू हैव 2 एक्सप्रेस एयर स्ट्रिप्स, जो एक्सप्रेस वे होता है ना, जहां पर एयरफोर्स के विमान भी लैंड कर सकते हैं, वो कौन सा प्रदेश है? पहली बार ऐसा हुआ इंडिया में कि जहां 2 एक्सप्रेस वे एयर स्ट्रिप्स बन गई। बड़ा ही आसान, बहुत ही आसान। वेरी नाइस। तो इसका आंसर हमारा होगा उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर। बिल्कुल, योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी जी ने उद्घाटन किया था वर्चुअल। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा की फिल्म का गोल्डन ग्लोब अवार्ड अपने नाम किया है? अभी हाल ही में किस फिल्म ने बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म एट द गोल्डन ग्लोब अवार्ड की कैटेगरी में, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज की कैटेगरी में जीता है, उसका नाम क्या? बड़ा ही प्यारी मूवी है, देखना एक बार। वेरी नाइस सोनिया, रश्मि सोनी आज कैसे आ गई? सोनी साहब सब ठीक ठाक? आज सोनी जी कैसे आ गई भाई मैराथन क्लास में? वेलकम सोनी, वेलकम। चलिए तो याद रखना, बिल्कुल सही आप जा रहे हो दोस्तों, द आंसर इज मीनारी, द आंसर इज मीनारी, मीनारी यूएसए, मीनारी यूएसए। विच ऑफ द फॉलोइंग इस सैटेलाइट हैज बीन डेवलप्ड बाय द DRDO टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ मिलिट्री एंड मर्चेंट नेवी शिप्स इन द इंडियन ओशियन रीजन, हिंद महासागर क्षेत्र में सैन्य और व्यापारिक नौसेना की जहाजों की गतिविधियों को निगरानी के लिए DRDO द्वारा इनमें से कौन सा उपग्रह विकसित किया गया है? वॉट इज द राइट आंसर टू एवरीबडी, बहुत जल्दी। अरे बिल्कुल सब लोग आ सकते हैं, बिल्कुल सब, भंडारा चल रहा है, बस भंडारे में जीते और कुछ नहीं करो, बस पूरा भंडारा यूटिलाइज करो, सभी लोग, सारे मेरे चैंपियंस दोस्तों, सभी को बुलाओ, सभी लोग आओ, बिल्कुल। तो याद रखना सिंधु नेत्र, ये विजिल है, देखिएगा कि ऐसा तो नहीं कोई हमला हमला हो रहा है, सिंधु नेत्र इज द राइट आंसर। अगला, ओ माई गॉड, देख के गलत मत बताना, मुझे साथ में ये भी बताओ, स्कॉट मॉरिसन कहाँ के पीएम हैं? और मुझे बताओ योशी हाइट सुगा, ये भी कहाँ का पीएम, मुझे बताओ जरा जल्दी से। भंडारा चल रहा है, सभी जगह लिंक को शेयर कर दो, सभी को बुला लो, अगर आपको पिछले 3 महीने का रिवाइज करना है बस भंडार में शामिल हो जाओ और प्रसाद ले लो। तो याद रखना जो योशो हाइट सुगा है, याद रखना यह जापान का है, और याद रखना जो स्कॉट मॉरिसन है वह ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है? और चित्र देख के तो लगी होंगे। अच्छा सुने में आया कि मोदी जी ने दाढ़ी कटवा ली, सही है क्या? हाँ मुझे बताओ क्या मोदी जी ने दाढ़ी कटवा ली? ऐसा सुन, मैंने, मुझे याद नहीं, मैंने देखा नहीं, बताओ। चित्र देखो और आंसर दो। देखो कभी कभी बोनांजा भी देना चाहिए, है ना, सारा हार्ड हो जाएगा ना तो मजा नहीं आएगा। अच्छा मुझे जरा ये बताओ, मुझे ये बताओ, सभी लोग जितने भी लोग यहां पे लाइव हैं और जो बाद में देखते हैं वो भी मुझे बताएगा कमेंट करके, टू एवरीबॉडी, आपको क्लास किस पे अच्छी लगती है? ऐप पे, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे या YouTube पे, मुझे जरा बताओ सभी लोग, मैं एक सर्वे कर रहा हूं, आपको क्लास किस पे अच्छी लगती है, अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे
या इस चैनल पे या किसी भी यूट्यूब चैनल पे अन अकेडमी के। राठौर साहब ने बोला यूट्यूब, ठीक है, लेकिन अब जरा मैं कहना चाहता हूं सभी लोगों को, जिनको भी YouTube पे क्लास अच्छी लगती है ना, एक बार मेरा कहना मानना, बस एक बार, और जरा एक बार ऐप पे आओ, अब देखो क्या मजा आता है। नेट बारा कम खर्च होगा, और सबसे बड़ी बात है आपको टिक नहीं करना पड़ेगा कि आपके स्कोर कितने सही हो रहे हैं, आपको तुरंत पता चलेगा कि आपका पोल में स्कोर कितना आ रहा है, आपकी पोजीशन कितनी आ रही है। बड़ा ही मजा आता है, एक बार करके देखना तब कहना बेहतर कौन है। दोनों का अलग अलग इंपॉर्टेंस है। मैराथन तो यूट्यूब पे मजा आता है ना, मैराथन तो यूट्यूब मजा आता है। हाँ देखो जसवाल ने बोला सही बोला। गुप्ता जी बस कुछ नहीं करना, डाउनलोड कर लिया, अब उसमें कैटेगरी चूज कर लो, बैंक चूज कर लिया, और चूज करने के बाद उसमें क्या करना, आप जाना फ्री लाइव क्लासेस में, और वहां मेरा नाम पूरा पूरा टाइप कर देना, और मुझे बस फॉलो कर लेना। जैसे ही मुझे फॉलो करोगे ना टू एवरीबॉडी, तो जो भी मेरी क्लासेस होती हैं आपको पहले से ही नोटिफिकेशन आ जाएगा टू एवरीबॉडी। तो काइंडली सभी लोग वहां जाके मुझे जरूर फॉलो करो, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबॉडी, ठीक है, इससे कोई क्लास मिस नहीं होगी। अगला क्वेश्चन, हु अमोंग द फॉलोइंग वॉन द बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, इनमें से किसने बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। योर टाइम स्टार्ट नाउ, जल्दी से। मैरी कॉम या कोनरू हम्पी या मनु भाकर या साइना नेहवाल, तो याद रखना बिल्कुल सही, उनका नाम है कोनरू हम्पी, हम्पी जी, इनको बीबीसी ने इंडियन स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। गलती होगी बेटा। अगला, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विथ ट्रेडिंग, जिसको कहते हैं क्या, ट्रस्ट फॉर रिटेलर एंड रिटेल एसोसिएट ऑफ इंडिया। आई रिपीट अगेन टू एवरीबॉडी, ट्रस्ट फॉर रिटेल एंड रिटेल एसोसिएट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड स्किल ट्रेनिंग एंड जॉब टू यूथ एंड पीपल विथ डिसेबिलिटी। तो याद रखना इसका आंसर हमारा होगा डीबीसी बैंक इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला, डीबीसी बैंक इंडिया लिमिटेड। अगला, हु अमोंग द फॉलोइंग अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ एआरसी, याद है इंडिया में जो एनपीए को खरीदता है, आपको बताना है इस एआरसी कंपनी की के जो वर्तमान में सीईओ है उनका नाम क्या है। एनपीए को खरीदता है ये, वेरी नाइस, तो याद रखना उनका नाम है पल्लव मोहपात्रा जी, ठीक है। हु अमोंग द फॉलोइंग साइन कॉन्ट्रैक्ट विथ सूर्य दीप्ता प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड फॉर एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल, निम्नलिखित में से कौन ACTCM बार्ज के लिए सूर्य दीपा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ अनुबंध किया है, उसने MOU किया है, इट्स अ काइंड ऑफ टॉर्पेडो मिसाइल। DRDO ने, इसरो ने, इंडियन आर्मी ने, इंडियन नेवी ने, तो याद रखना इसका आंसर हमारा है इंडियन नेवी इज द राइट आंसर। अगला, इसरो ने भी हाल ही में एस बैंड निसार एक सेटेलाइट डेवलप किया है जो कि यूज होगा फॉर द ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट मिशन ऑफ इंडिया। आपको बताना है यह इंडिया किसके साथ मिलके इसने ये सैटेलाइट को डेवलप किया है, फ्रांस, रसिया, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया। वेरी नाइस, बहुत ही शानदार, तो याद रखना आंसर हमारा होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अगला,
ये तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये आज का हलवा क्वेश्चन, फिर अगेन, यह आज का हलवा क्वेश्चन है फिर अगेन। कौन से स्टेट में फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ऑफ इंडियन इनॉग्रेटेड? ये वही आंसर होगा जहां के सीएम क्या कहते हैं कि कोरोना भी जीव है, उनको भी जीने का अधिकार है। हाय रे भगवान तीरथ जी, वेरी नाइस, द आंसर इज उत्तराखंड, द आंसर इज उत्तराखंड। अगला, पीएम मोदी जी ने इनॉग्रेट किया है मैत्री सेतु, याद रखना, कौन सी कंट्री के साथ मिलके मार्च में, विच कनेक्ट इंडिया एंड विच कंट्री टू एवरीबडी। वेरी नाइस, व्हाट इज द राइट आंसर? नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान, व्हाट इज योर आंसर? बहुत शानदार, बहुत बांग्ला, हमें बांग्ला हो बे, बहुत शानदार। बंगाली कोरबो लोरबो दादा, चल क्या कहते हैं, चौलछे चौलबे, चौलछे चौलबे, द आंसर सी। अगला, विथ विच ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ वोमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट साइन MOU टू बूस्ट द कोऑपरेशन इन न्यूट्रिशन, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट, वोमेन एम्पावरमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग सेक्टर। ओके संतोष जी, आप भोपाल से हैं, वेरी नाइस। गूगल 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 सब मार रहे हैं गूगल। अच्छा, चौलछे चौलबे का मीनिंग क्या होता है? सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है, यही ना, चौलछे चौलबे मतलब सब कुछ ठीक ठाक से चल रहा है कि नहीं, यही होगा ना। द आंसर इज, देखो बहुत लोगों का गलत हुआ है, बहुत लोगों का गलत हुआ, द आंसर इज इन्वेस्ट इंडिया। इन्वेस्ट इंडिया के साथ मिलकर इस मिनिस्ट्री ने MOU साइन किया है टू बूस्ट द कोऑपरेशन इन न्यूट्रिशन। तो क्या होता है बताओ। अगला, एज पर द OECD इंडिया GDP टू ग्रो What percent in FY 2022? चलो ठीक, और याद रखना इसका आंसर हमारा होगा, और फुल फॉर्म जरूर याद रखना। अरे आपने कहा तो बस जान गए आपसे संतोष जी, बिल्कुल क्यों नहीं जानेंगे, इतनी जगह घूमा हूं ना इंडिया में कि आप लोगों को प्यार याद आता है सभी लोगों का। तो याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD, द आंसर इज ए। अगला, जम्मू एंड कश्मीर ने लॉन्च किया है एक योजना, जिस योजना का नाम है तेजस्विनी स्कीम, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस, उसका पर्पस क्या है? स्पोर्ट एक्सपोजर टू द गर्ल, सेफ्टी ऑफ वोमेन वाइल इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट फाइनेंशियली वोमेन टू स्टार्ट बिजनेस एंड फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स टू क्रैक गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। चलो एक काम करते, सुनो ध्यान से, अगर आप लोग एग्री करते हो तो 9 बज गए हैं, ठीक है, एक घंटे बाद क्या मुलाकात करें 10 PM पे अगेन, इसी सेशन को पूरा आज कंप्लीट कर लें, क्या बोलते हो? संडे भी है, यानी कि जो 9-10 बजे हम जो करंट अफेयर्स लेके आते हैं, आज एक काम करते हैं, इसी को पूरा कर लें जो बचा हुआ है, क्या बोलते हो? और इस एक घंटे में थोड़ा सा डिनर कर लें, बोलो कैसा रहेगा? इफ यू आर एग्री, If you are agree,
इफ यू आर एग्री, ओ नेट नहीं बचता। अच्छा हाँ, एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, जून में अपनी क्लास की टाइम भी चेंज करूंगा, मॉर्निंग में ले आऊंगा। ओके नहीं भाई, आज खत्म तो करना है, आज खत्म करना है, संडे है, आधा घंटा और लगेगा, ठीक है मैक्सिमम। तो अभी बज रहा है 9:05, एक घंटे में मुलाकात करते हैं, ठीक है सभी लोग जल्दी से। और याद रखना भी, मैं लिंक दे दूंगा, 10 बजे से करेंगे और ज़्यादा नहीं लूंगा आपका समय, 10:30 तक इसको हम लोग पूरा कर लेंगे, प्रॉमिस, ठीक है सभी लोग, इसका सेकेंड पार्ट अभी से। तो जल्दी से रिफ्रेश हो जाइए, रिफ्रेश योर माइंड, और आज ही इसको पूरा करेंगे हम सभी लोग, आज ही इसको हम लोग पूरा करेंगे। बस जहाँ इतना सपोर्ट किया है पूरा सपोर्ट कर दो, और 10 बजे से लेकर 10 PM पे ज़्यादा नहीं छोड़ेंगे, सिर्फ आधे घंटे के लिए आपको पूरा समय कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी से 10 PM पे, और हाँ उसके बाद स्कोर भी आप लोगों को बताना, ठीक है। थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी से, बस एक